नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एथिक्स का जो नया बैच शुरू हो रहा है उसके बारे में। फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर से एथिक्स या नीति शास्त्र के लिए एक नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि संक्षेप में मैं आपको उस बैच के बारे में कुछ जानकारियां दे दूं। बहुत सारे लोग जिन्होंने इस बीच में क्वेरीज की, एडमिशन लिए, कई उनके मन में ऐसे प्रश्न थे। व्यक्तिगत तौर पे तो जवाब दिए गए, लेकिन सामूहिक तौर पे भी उनका जवाब देना मुझे ठीक लगा, ताकि आप सबके मन में भी किसी तरह के कोई डाउट हैं तो क्लियर हो। जैसा आपको जानकारी होगी, यूपीएससी यूपीपीसीएस में जीएस का जो चौथा पेपर है, नीति शास्त्र सत्य निष्ठा अभिरुचि, यूपीएससी में 250 अंक, यूपीपीसीएस में 200 अंक, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका। और उसके अलावा मध्य प्रदेश पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, यहाँ भी जीएस में नीति शास्त्र सत्य निष्ठा को जीएस में शामिल किया गया है, और हर जगह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका और उपयोगिता है इस सेक्शन की। 2013 में जब यूपीएससी में ये पेपर शामिल हुआ था जीएस में, सबसे पहली किताब हिंदी मीडियम में मैंने लिखी थी, जो आज भी अकेली सिंगल किताब है हिंदी मीडियम में जो 100% सिलेबस कवर करती है नीति शास्त्र का, और संतुलित रूप में कवर करती है। अदरवाइज और जितनी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, या तो इंग्लिश मीडियम में और या हिंदी में हैं भी, तो संतुलित नहीं है। किसी किताब में या ज़्यादातर किताबों में फ़िलासफ़ी के टॉपिक बहुत डिटेल मिलेंगे, जो प्रशासन के टॉपिक हैं उनकी चर्चा ही नहीं है, नाम मात्र की चर्चा है। कुछ टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक नहीं हैं, गायब हैं। और हमने 2013 में ही ऐसी किताब लिखी जो 100% सिलेबस कवर करती है, और 100% टॉपिक और बैलेंस अप्रोच के साथ, चाहे वो दर्शन से जुड़े टॉपिक हों, चाहे वो मनोविज्ञान से जुड़े टॉपिक हों, और चाहे वो प्रशासन से जुड़े टॉपिक, जिस टॉपिक की जिस मात्रा में जितनी ज़रूरत है उस अनुपात में वो सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं। मार्केट की बेस्ट सेलर बुक है, और पिछले 8 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ ये विषय। यहाँ हमेशा मैं कहता हूँ कि नीति शास्त्र जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें दार्शनिक नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ, और वास्तव में ज़रूरत भी हमें इसी दृष्टिकोण की होती है। जनरली आप देखेंगे एथिक्स और जो लोग पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर फिलॉसफी के टीचर हैं, और उनकी अप्रोच भी फिलॉसफिकल है, और यही कारण है कि एथिक्स में जितने नंबर आने चाहिए उतने नंबर अभी आप लोगों को नहीं आ पा रहे। यूपीएससी में 250 में से 130 प्लस अंक लाना बहुत आसान है, बस अगर आपने सही नज़रिए से पढ़ा है तो। लेकिन नंबर आ रहे हैं लोगों को 80, 85, 90, कारण यही है कि अप्रोच ही ठीक नहीं है। आप 7 साल के पेपर उठा के देखें जो अब तक यूपीएससी में पूछे गए हैं, किस अप्रोच की डिमांड है, किस अप्रोच की ज़रूरत है। दर्शन के टॉपिक या मनोविज्ञान के टॉपिक बहुत कम पूछे जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो हमेशा प्रशासनिक आस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए पूछे जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये नैतिकता सत्यनिष्ठा है ये आपको प्रशासन के क्षेत्र में ही लागू करना है। और प्रशासनिक दृष्टिकोण को एक लोक प्रशासन का टीचर ही जितना बेहतर ढंग से समझता है उतना दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी का टीचर कभी नहीं समझ सकता। तो सच्चाई है कि फिलॉसफी का टीचर वो न्याय ही नहीं कर रहा है या कर पा रहा है इस विषय के साथ। क्लास आप देखें, नोट्स देखें आप उन टीचर्स के जो, और सो कॉल्ड एथिक्स के बहुत बड़े टीचर या कहते हैं अपने आप को खुद कहते हैं, दूसरा तो कहे या नहीं कहे। माय अप्रोच आप देखें, जो फिलॉसफी के कुछ सेक्शन हैं, नीति शास्त्र, मानवीय सहसंबंध या विभिन्न दार्शनिक
अगर 2 महीने पढ़ाते हैं तो उसमें 1.5 महीना वही पढ़ाते हैं, और आरटीआई और सिटीजन चार्टर की बात आती है तो 4 लाइन में आरटीआई ख़त्म हो जाता है, 4 लाइन में सिटीजन चार्टर। कॉरपोरेट गवर्नेंस अता पता ही नहीं है, वर्क कल्चर अता पता ही नहीं है पूरी क्लास में, नोट्स में। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की रणनीति से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल। उस 2 महीने में भी पौने 2 महीने थ्योरी पढ़ाते हैं, केस स्टडी, 2-4 केस स्टडी अपनी तरफ से सॉल्व करवा दी और हो गया। हम एकदम डिफरेंट अप्रोच को लेके बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखता ही हूँ टैगलाइन की, दार्शनिक नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, और वास्तव में ज़रूरत भी हमें ऐसी अप्रोच की है इस पेपर में। जितना थ्योरी वाले सेक्शन पर जोर, उतना ही केस स्टडी पे। हम केस स्टडी अपनी तरफ से आपको कुछ सॉल्व करके नहीं बताएंगे, बल्कि आपको सिखाएंगे कि केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती है, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हों, खुद सक्षम हों कि किसी भी तरह की केस स्टडी आए तो आप बेहतर ढंग से उसका जवाब लिख सकें। तो पूरी एक प्रोसेस होती है केस स्टडी को सॉल्व करने की, और सॉल्व करने की प्रक्रिया को सीखने की, और हमारा सबसे ज़्यादा जोर उसी के ऊपर होता है। चाहे वो फिलॉसफी के सेक्शन हो, चाहे वो साइकोलॉजी के सेक्शन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन हो, हर सेक्शन पर समान बल देते हुए हम पूरा थ्योरी कवर करते हैं, और तब उसके बाद केस स्टडी। सबसे बड़ी बात कि इस बैच में हम पूरा आपसे 2013 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। आपको पता लगेगा कि यूपीएससी ने कैसे प्रश्न पूछे हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। ये लाइव बैच होगा, जूम ऐप या जियो मीट या इसी तरह के किसी ऐप के माध्यम से हम लाइव क्लास करेंगे। लगभग 2.5 महीने का बैच होगा ये, मतलब जिन लोगों को यूपीएससी या यूपीपीसीएस मेंस देना है तो उसके पहले उनका ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन तैयार हो जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास की भी व्यवस्था है, मोबीशाला ऐप के थ्रू आप रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड अगर दोनों आप चाहें तो दोनों का ऑप्शन भी आपके पास उपलब्ध होगा, वो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। फी बहुत नॉमिनल सी रखी गई है, केवल 12,500, लेकिन ये फी ध्यान रखें कि शुरुआती 50 स्टूडेंट के लिए फी है, कई सारे एडमिशन उसमें हो चुके हैं, उसके बाद फी बढ़ के हो जाएगी 16,500, 16,500। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो शीघ्र ज्वाइन करें इस बैच को। मन में और किसी तरह का डाउट है, आप हमारे मोबाइल नंबर पे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नंबर है कोचिंग का 9810651005। मोबिशाला ऐप का नंबर भी चल रहा है वीडियो में, वीडियो के शुरू में आपको दिख रहा है, तो आप मोबिशाला ऐप के कस्टमर केयर नंबर पर भी बात कर सकते हैं अगर रिकॉर्डेड क्लास के लिए इच्छुक हैं तो, और लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 98 वाले हमारे नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। तो और एडमिशन करें ताकि 15 तारीख से फिर इस बैच में आप शामिल हो सकें। धन्यवाद। Thank you.